देखिए, हमें जज को कन्विंस करना है कि बच्चों की खातिर आप दोनों ने इस रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश की, इसीलिए आप दोनों को 15 दिन एक साथ रहना होगा। 15 डेज, नॉट अ सेकंड मोर। एनीथिंग टू गेट रिड ऑफ यू। अगर पापा ने मम्मा को दुख दिया, अब हम पापा को दुख देंगे। आप लोगों ने जो उनके साथ किया, उनकी सूप में मिर्ची डाली, पता है अगर कोई और पापा होते तो वो कितना गुस्सा करते, आपको कितना पनिश करते, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए। सोने की चिड़िया का MMS बना और उसकी न्यूड पिक्चर्स क्लिक कर। Oh my God! पापा, सॉरी। पापा मम्मा ने हमें डांटा। क्यों? मम्मा कह रही थी कि जाके पापा से दोस्ती कर लो। ये मिर्ची विर्ची, ब्लैक पेपर, ये सब डाल के क्या आ रहा था तुम लोगों का? चिल्ली बहुत ऊपर थी। ओए, ये चिल्ली विली नहीं चलेगा आज के बाद, ओके? प्रॉमिस करो। गप्पू कहीं की। इधर। पापा होमवर्क। होमवर्क? प्रोजेक्ट। मम्मी कहाँ? ऑफिस। जा, लेके आओ सब कुछ। रेडी? चलो बताओ प्रोजेक्ट क्या? ये तुम लोगों ने हाथों में सर्जिकल ग्लव्स क्यों पहने हैं? मामा बोलते हैं किलो लग जाएगी। वेरी स्मार्ट। 50 किलो। मुझे बहुत खारिश हो रही है, शायद एक्सपायर्ड है ये। हंस क्यों रहे हो तुम दोनों? खुजली वाला पाउडर। मतलब तुम दोनों ने इसमें? इधर वापस आओ यहाँ पर अभी। खुजली वाला पाउडर डाला तुम दोनों ने इसमें? बदतमीजो, मैं जानता हूँ तुमसे ये कौन करवा रहा है। तुम्हारी मॉम करवा रही है ना? आ रहे दोस्त को वापस। आई एम सो ग्लैड यू कॉल्ड, रियली। हाउ इज इट गोइंग? यू नो योर ब्रदर वेल? जिंदा तो आएगा ना? हम दोनों में से कोई एक तो शहीद होने ही वाला है। ओ प्लीज, हाँ, इतना भी बुरा नहीं है यार वो। गिव इट अ चांस। डोंट इवन टॉक अबाउट इट। सी, मैं तुम्हारे जितनी अच्छी माँ नहीं हूँ, पर मुझे पता है माँ का बच्चों के बिना रहना इम्पॉसिबल है, एंड यू कांट स्टे विदाउट जिया दिया, तो उनके सेक के लिए एटलीस्ट ट्राई। रित्विक हेट्स मी, और इन दिनों में जितनी लड़ाइयाँ हमने की है ना, आई डोंट थिंक देयर इज अ स्कोप ऑफ फ्रेंडशिप ऑल्सो। तो एक रिलेशनशिप तो बहुत दूर की बात है। And I'm sure, तुम जिया दिया का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी। But life's too long, Palak. अकेले काटोगी? पता नहीं। Excuse me. What will you have? तुम्हें? रिकी भाई के लिए? Not on the menu. Yes, ma'am. Then margarita. One margarita, one cold coffee. Actually, जाने से पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती थी। How are things? How is Aman? Aman. Work, work, work. Ghar pe bhi kaam. That's all he does. I'm glad it worked out for you guys. I'm glad too, but it's all thanks to you. I'm indebted, like forever. And how's Shanaya? She's on cloud 9, man. Toh paane uske liye ek match dhunda hai. And dono ek dusre ko pasand bhi karte hain. Toh mujhe toh lag raha hai na, aajkal mein roka bhi ho jayega. It's all happening so fast, yaar. And this guy's name? Nakul Mehra. Pa ke friend ka beta hai. And Shanaya likes him, and he likes, you know, Shanaya. So things are working out. So इस लड़के को कोई family ने suggest किया है या you must be knowing this guy, right? Past choice. In fact, you should meet him. जब तुम्हारा call आया था ना, I called the rest of the guys to join us for drinks and dinner. Aman, Shanaya, Naku, they all are gonna be there. Ask Bhai as well. वो भी आ जाएंगे. नहीं, you guys have your fun family time ना. मैं कभी और मिलती हूँ. एक सेकेंड रीवा, आई हैव टू टेक दिस कॉल। क्या हुआ है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं फोन डिस्कनेक्ट करूं? इसका मतलब मैं बिजी हूं। तुम्हें क्या लगता है तुम बच्चों के साथ ये बेवकूफियां प्लान करोगे? मुझे पता नहीं चलेगा। क्या बोल रहे हो तुम? तुम इनको ये सब सिखाओगी और खुद एंजॉय करने जाओगी तुम? हाँ, क्या हुआ? क्लबिंग छोड़ो और घर आओ अभी और इनको होमवर्क करवाओ। तुम्हें कैसे पता मैं आऊँ? रीवा ने बताया, और कौन बताएगा मुझे? हाँ,
तू माल लाया ना, ऐसी ड्रिंक बनाऊंगा कि आज तो एमएमएस शूट हो ही जाएगा। बस एक बार मैं ये डील क्रैक कर दूंगा तो डैड से जाके अपना हिस्सा मांगूंगा। Then finally we both will be settled, Sachi. Well, Rishabh तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और कौन रोकेगा मुझे? रिकी और पलक के बच्चे रोकेंगे तुम्हें। क्या? रिकी और पलक के बच्चे? Twin daughters. रोहित की मॉम ने मुझे बताया था कि अचानक से पलक 6 साल बाद दिल्ली में वापस आ गई है। एंड 6 साल पहले वो रिकी से प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने रिकी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। फाइनली रिकी पलक को डिवोर्स देने वाला है और साथ ही साथ अपने बच्चों की कस्टडी भी लेने वाला है। इट मीन्स तुम्हारी फैमिली प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा हिस्सा इन दो बच्चों को मिलेगा। I can't believe this. रिकी सब कुछ शिवम को हैंड ओवर करके जाने वाला था, तो बच्चे कहां से आ गए बीच में? साची, आई वर्क टू हार्ड एंड वेटेड टू पेशेंटली फॉर दिस, और वो पलक बीच में आकर मेरे प्लान्स बिगाड़ नहीं सकती। मैं इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ कि यू हैव टू टेक सम एक्शन। ऋषभ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वापस इंडिया जाना चाहिए? आई मीन यू हैव टू फिगर आउट ना कि आगे तुम्हें करना क्या है, व्हाट्स योर प्लान? अब यहाँ बैठे बैठे तो कुछ नहीं कर सकते ना, यू हैव टू डू समथिंग। आई नो वो मोटी है और वैसे भी मुझे उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है बस, और मेरे ख्याल से सही है। Who will finance my luxuries then? वो चाहती है कि शादी के बाद वो काम करे। आई होप आप लोगों को इस बात से कोई एतराज ना हो। Of course not, uncle. पाने उसके लिए एक मैच ढूंढा है एंड दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, तो मुझे तो लग रहा है ना आजकल में रोका भी हो जाएगा। तू माल लाया ना, ऐसी ड्रिंक बनाऊंगा कि आज तो हमें शूट हो ही जाएगा। ये सब तुम्हारी प्लानिंग है। सोच ले अब क्या प्लान है। सोच ले अब की बार कैसे तंग करेगी मुझे। आ गई नई खुराफात, ब्रिंग इट ऑन, मैं भी देखता हूं। हेलो सेतु, आप क्या कर रही है अभी, मिल सकती है? नहीं नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। हमें नकुल और शनाया का रुका नहीं होने देना है। What? What? Are you sure? Yes, I am sure. ये नकुल बहुत बैड रही है। मैंने खुद सुना है वो शनाया के बारे में बोल रहा था कि she's a big trophy wife to have in a society, but he's planning something really bad. वो चीट कर रहा है शनाया को। Not again, पलक। वो ऑफिस भी आया, यू नो पीपी सर उसे किसी इंडस्ट्री प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करने वाला है, उसे मैं किसी फ्रेंड से रेप ड्रग भी लिया है। आई वांट टू से बट एमएमएस, तुम लोग कुंडली उंडली क्यों नहीं मैच करवाते भाई? ऐसे लोग हमारे पल्ले क्यों पड़ते? मे बी इट्स अ कर्स, सम पास्ट लाइफ कर्स। नून फैमिली, द नून फैमिली इज कर्स्ड। कोई भी शादी सीधे तरीके से होती नहीं है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? Yes. अगर हमें शनाया को बचाना है तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। हेलो। हाँ शनाया, कहाँ हो तुम? भाई मैं तो नकुल के घर पे हूँ। वहाँ पर क्या कर रही हो तुम? तो रीवा और अमन के साथ कैफे जाने वाली थी ना?
प्लान तो वहीं जाने का था लेकिन नकुल को रियलाइज हुआ कि उसने गलत एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिया और कल उसका बिजनेस कम्युनिकेशन का एग्जाम है सो आई थॉट आई जस्ट हेल्प हिम प्रिपेयर सो आई थिंक डिनर प्लान्स तो कैंसिल है अच्छा ठीक है तुम वहीं रहो रीवा को फोन कर देना ढूंढ रही होगी तुम्हें ओके ओके बाय इसकी बिजनेस कम्युनिकेशन की माँ बहन तो मैं करूँगा अब चलो नकुल मेरे भाई मेरे दोस्त देख तूने ये चांस तो लूज कर दिया है नाउ डोंट लेट दिस वन गो ऑफ बस एक बार उस मोटी का एमएमएस बन जाए फिर तू ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तेरा मोबाइल गुम हो गया है मोटी को ये बताना कि ये वीडियो उन खूबसूरत पलों की यादों के लिए बना है उसके बाद में अनजान ब्लैकमेलर बन के उससे पैसे मांगूंगा डन Yeah. Cheers. One more thing. I have very, very, very special thing. Sorry, sweetheart. मैंने हमारी डेट खराब कर दी. It's okay. Some other time. और वैसे भी एक study date है. भूलो मत. मैं तुम्हारे लिए घर से notes बना के लाई हूँ. I don't believe this. पता नहीं कहाँ से पकड़ के लेके आते हैं डैड सारे उल्लू के पट्टे। उन्हें थोड़ी पता है कि उस लड़के के क्या intentions हैं। I'm telling you, you guys are cursed. वो शराब पर आपे नूंस के ऊपर। तुमने तो नहीं कोई डाला। Sorry, I didn't. Doesn't change anything. Yeah, nothing does. ये लो ना जूस। Thank you. तुम भी लो अरे मैं लेता हूँ और ये सब खातिरदारी छोड़ो यार तुम्हारा कल एग्जाम है उस पे कॉन्सेंट्रेट करो देख रहे हो अरे नहीं कुछ नहीं कल एग्जाम में फेल नहीं होना है पढ़ो ये इतना टाइम क्यों लग रहा है दरवाजा खोलने में शनाया आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो वो रोके की कुछ रस्में डिस्कस करनी थी कहाँ है नकुल ये रहा इसे क्या हुआ सो गया है अब नोट्स बना ले बेबी यार मुझे चक्कर से आ रहे चक्कर से आ रहे मेरा पढ़ने का मन नहीं है सर घूम रहा है मेरा यार कल एग्जाम है तुम्हारा नहीं यार मैं अभी नहीं पढ़ूंगा नकुल तुम्हें क्या हो गया नकुल मैं मैं नहीं पढ़ूंगा बाद में मैं एक्चुअली निकल ही रही थी बिकॉज ये अचानक से ही डोज्ड ऑफ आई विल जस्ट गेट माय बैग चलो आई ड्रॉप यू होम आई हर्ड हिम इन द कैफे आई हर्ड हिम इन द कार वो ऑफिस भी आया था स्टॉप इट पलक जस्ट स्टॉप इट
अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करने से मैं तुम्हारे करीब आ जाऊंगा, इट्स नॉट गोना हैपन। सो फॉर गॉड्स सेक जस्ट स्टॉप इट, एंड इट राइट नाउ। तुम्हें लगता है मैं इतना बड़ा झूठ बोलूंगी जस्ट सो दैट यू लाइक मी? ओके एक्सप्लेन कि क्या हुआ वहां पर। इतनी सारी बकवास की तुमने, कुछ भी नहीं हुआ ना वहां पर। अब मैं जाके क्या करने वाला था? I believed you again. Okay, क्या हुआ? अगर ऐसा कुछ भी होता तो शनाया हमें बता देती ना। She wasn't even drunk, पलक। No. Even I am surprised कि ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। Even I am really पलक, you are surprised कि मेरी बहन के साथ वो सब नहीं हुआ जो तुम describe कर रही थी। Ritwik, I am glad कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। But that guy is all about money. सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं पलक। You're sick. You know what? I can't stand this. मैं अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहता। तो this, the court. I'm not dealing with this anymore. मैं घर जा रहा हूँ, अपने बच्चों को भी साथ लेके जा रहा हूँ। Fine. कोई शौक नहीं मुझे नाटक करने का। जाओ मेरे घर से, ले जाओ अपने बच्चे। एक और बात। आज के बाद मेरे घर से, मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे डैड से और मेरे बच्चों से दूर रहना पलक। डोंट इवन कम नियर। कोई शौक नहीं था मुझे तुम्हारी लाइफ में वापस आने का। तुम्हारा भाई ढूंढ के लाया था मुझे। हाँ, पोस्ट करके लाया था ना, उठा के लाया था ना तुम्हें। तुमने रीवा के लिए जो किया, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। डैड की ट्रीटमेंट किया, आई एम श्योर इट विल बी पेड वेरी वेल फॉर दैट। बच्चों की कस्टडी के लिए फाइट नहीं किया, थैंक यू। आई नेवर सेड दिस पलक, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया था वो मैं बुला नहीं पाया हूं। मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा तुम्हें फॉर व्हाट यू डिड टू मी, रुइंड इट। तुम बहुत ही बुरी इंसान हो एंड आई कांट डील विद इट एनीमोर। दिस एंड्स टुनाइट। मैं अपने बच्चों को लेके जा रहा हूं।